हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई लोग देख सकते हो, हमारे पास आ गया है अंडर 10,000 बजट कैटेगरी का एक काफी पावरफुल 5G स्मार्टफोन आईटेल कलर प्रो 5G। और हमारे पास आ ही गया है, तो चलो आज हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो अमेज़न के ऊपर इस स्मार्टफोन का 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट का करेंट प्राइस है 10,000 रुपीज। लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर अब लोग ये स्मार्टफोन अंडर 9,000 देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम इस स्मार्टफोन को अंडर 10,000 प्राइस रेंज के हिसाब से जज करने वाले हैं। और अगर वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखोगे तो आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अंडर 10,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को हल्का फुल्का गेमिंग या नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। सो अभी चलो गाइस इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। आईटेल कलर प्रो 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.6 इंच HD प्लस 90Hz IPS डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 EX6 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। बैटरी है 5000 mAh प्लस 18W इनबॉक्स चार्जर। रियर कैमरा है 50MP प्लस 2MP मैक्रो लेंस। सेल्फी कैमरा है 8MP का। एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट है 6 128GB जिसका प्राइस है 9,999 रुपीज। लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर 1 से 2 हजार तक भी आप लोगों को कैशबैक देखने के लिए मिल सकता है। सो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को 3 सेपरेट बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। और इन तीनों बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक सिम इजेक्टर पिन, एक 18W का फास्ट एडाप्टर, एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, आईटेल के तरफ से एक रेड कलर का VIP कार्ड और कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब लव लेटर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है एक व्हाइट कलर का हार्ड TPU केस, उसके साथ ही हमारा डिवाइस आईटेल कलर प्रो 5G। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम के तरफ चलते हैं। सो अभी गाइस देख सकते हो फोन सेटअप होने के बाद स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर गेम भी इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 149 और रेड डॉट मेरा 120 है। उसके साथ ग्राफिक्स यहाँ पर मैं पहले से ही स्टैंडर्ड के ऊपर सेट करके रखा, क्योंकि अंडर 10,000 का स्मार्टफोन है तो मैक्स ग्राफिक्स पर जाहिर सी बात है आप लोगों को लैग देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए मैं स्टैंडर्ड पर सेट किया। उसके साथ हाई FPS को हाई कर दिया। तो अभी चलो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले CS और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले देखते हैं। उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने तो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर CS मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी चलो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। Take
Breakdown. राइट गाइस, आप लोगों ने तो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर कुछ सीएस और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले यहां पर देख लिया, तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आईटेल ने गेमिंग के लिए जो चिपसेट यूज किया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वो अंडर 10,000 की सबसे काफी बढ़िया चिपसेट है। अगर एंटूटू स्कोर देखोगे तो 420,000 के करीब एंटूटू स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ फैब्रिकेशन प्रोसेस भी ठीक ठाक है 6 नैनोमीटर का। तो गाइस आप लोग सोच ही सकते हो प्राइस रेंज के हिसाब से चिपसेट तो काफी बढ़िया है, और इसीलिए आप लोग स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर चाहे सीएस चाहे फुल मैप रैंक मैच कुछ भी खेल लो आप लोगों को ना कोई लैग ना कोई फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस होगा। बट अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर कभी कभी मैंने अच्छा खासा फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस किया, उसके साथ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर तो भाई लैग देखने के लिए आप लोगों को मिल ही जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अंडर 10,000 का स्मार्टफोन है तो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलना आप लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस या स्मार्टफोन निकल कर तो दे ही सकता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट सेंसिटिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को अंडर 10,000 पर ही 90 हर्ट्ज का एक IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर मेरे को कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ा। उसके साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से भाई गेम के अंदर सेंसिटिविटी ठीक ठाक मेरे को लगा है। सो नेक्स्ट गाइस बैटरी और चार्जिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5000 mAh का एक मैसिव बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, और 6 नैनोमीटर चिपसेट होने के वजह से उसके साथ HD+ डिस्प्ले होने के वजह से भी ये स्मार्टफोन बैटरी उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। तो बैटरी बैकअप मेरे को तो ठीक ठाक लगा है, और बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो एक काफी बढ़िया चीज बोल सकते हो प्राइस रेंज को देखते हुए। बैटरी और चार्जिंग के बाद नेक्स्ट कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। मेन सेंसर 50MP प्लस 2MP मैक्रो लेंस, फ्रंट कैमरा है 8MP का। तो कैमरा क्वालिटी मेरे को तो ठीक ठाक लगा है, और प्राइस रेंज को गाइस कंसीडर करते हुए कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कुछ खटर मटर चटर पटर सेंसर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये था आईटेल कलरफुल 5G स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ धमाकेदार फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि अंडर 10,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। सो गाइस देखो प्राइस रेंज के हिसाब से फोन का गेम प्ले मेरे को काफी बढ़िया लगा है, इसलिए नो डाउट आप लोग हल्का फुल्का गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन को तो ले ही सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।